करना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, एजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर से आपके जो भी दोस्तों पोस्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने इधर से सभी पोस्टों को ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है सभी ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ, जो कि देख सकते हो उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो सही से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको एक तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओइने लिखा वहाँ क्लिक करना है, यहाँ से 9/16 का रिव्यू सिलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपका म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपना म्यूजिक है वो इधर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर यस पे क्लिक कर दूंगा और कुछ इसी तरह से म्यूजिक आपके सामने आ जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक बाइट वीडियो स्किन है जो कि इधर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आप देख सकते हो आपका वीडियो रहेगा जो कि इधर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो पहला पोस्ट है इसे आपको थोड़ा जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों इधर से आपका पहला पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अपने वीडियो को एंड कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर पहला बीट आ रहा है तो पहले बीट में आपको कुछ इसी तरह से इसे कर देना है और दूसरे में आपको पोस्ट को थोड़ा बड़ा कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको सभी पोस्टों को आपके बीटों के हिसाब से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से आपको जो आपके बीट है उसके हिसाब से कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों ये बीच वाला पोस्ट है उसमें आपको ब्लैक वाला जो इफेक्ट है ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपका वीडियो जो देख सकते हो यहाँ से आपको कट करना है और इधर भी आपको ब्लैक वाला ही इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इस वीडियो को कट करके भी ब्लैक वाला इफेक्ट कर देना है और पहले वाले में आपको इफेक्ट है जो कि जूम आउट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर जूम आउट का इफेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर आपको थोड़ा जूम करना है और ऐसे आपके जगह पर भी आपके जो बिट ऐड हो रहे हैं तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सही से ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको जो भी बिट ऐड हो रहे हैं उन्हें आपको सही से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर आपको अपने सभी बीटों को सही से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने बीट है वो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जो कि देख सकते हो उसी तरह से थोड़ा जूम कर देता हूँ और जूम करने के बाद दोस्तों उसी तरह से इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर पहले वाले पोस्ट में आ जाना है, पोस्ट पर क्लिक करना है और थोड़ा जूम कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से पोस्ट को थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि ऐसे इसी तरह से जूम कर देना और इस पोस्ट को आप कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर के की फॉर्म का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, उसी तरह से थोड़ा आगे आ जाना है, इस फोटो को थोड़ा आगे ले जाना है और उसी तरह से इस पर आपको वापस कुछ इसी तरह से आपको इस फोटो को कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसी तरह से हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको सभी पोस्टों को आपको कर देना है, जो कि देख सकते हो उसी तरह से इसे थोड़ा जूम कर देना है और जूम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे थोड़ा जूम कर देंगे। जूम करने के बाद दोस्तों इधर से आप देख सकते हो उसी तरह से थोड़ा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इस पोस्ट को कुछ इसी तरह से आगे की तरह कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर भी की फ्रॉम का एक ऑप्शन लगा देना है, उसी तरह से आगे आ जाना है और उसी तरह से पोस्ट को कुछ इसी तरह से पीछे ले लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसमें आपको एक इफेक्ट ऐड कर लेना है जो कि साइड राइट का इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसे फुल कर देना है, उसी तरह से आपको सभी पोस्टों में उसी तरह से सभी पोस्टों को कर देना है, जो कि इसे आपको उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसे आपको ये वाला इफेक्ट आपको जो साइड राइट का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको पहले वाला ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से एक आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है, क्योंकि देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ जो कि हमारे वीडियो में काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लासिक दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो नीचे इधर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ आ जाना और यहाँ से स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो रहेगा वो स्किन पे देख रहे थे उसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहो तो इधर साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना क्योंकि वीडियो रहेगा आसानी से आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।